अस्सलाम वालेकुम। हम सीमांचल में हैं, हमारी लड़ाई सीमांचल स्पेशल स्टेटस की, हर दिन ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपका सहयोग, आपका साथ, आपका समर्थन हमें मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। सीमांचल का एक और रास्ता है, मैं उसी रास्ते में बलरामपुर से डंगड़ा से किशनगंज का जो लोग पार्लियामेंट्री हल्का का आखिरी क्षेत्र है, वहाँ से हम बारसोई की तरफ जा रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, देश में हर जगह विकास की गंगा बहती है, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप देख लाना चाह रहे हैं कि मैं सीमांचल में हूँ। आप खुद देखिए कि सीमांचल की सड़कों का हाल क्या है। ये देखिए प्रधानमंत्री सड़क है, खुद देखिए एक आम इंसान कितनी परेशानियों से, कितनी ये रोड की स्थिति देखिए। ये प्रधानमंत्री सड़क है और ये सड़क नेशनल हाईवे से जोड़ती है, स्टेट हाईवे से होकर नेशनल हाईवे से जोड़ती है। लोगों की स्थिति आप देख लीजिए, कितनी भयावह स्थिति है। MLA MP सब लोग सेकुलर गठबंधन की बात करते हैं और वोट भी देते हैं, लेकिन आप खुद बतलाइए कि ये रोड की स्थिति क्या। बार बार हम लोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी लिखा, हम लोगों ने बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हम लोग ने दूसरी जगह पे भी जो रूरल डेवलपमेंट बिहार का उसको भी लिखा, लेकिन रोड की स्थिति बद से बदतर है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा रोड, अगर कोई पेशेंट जाना चाहे हॉस्पिटल बड़ी तकलीफ होती है। ये देख लीजिए, ये दूसरे रियासतों में रोड बनता है, लेकिन आप खुद देखिए कि रोड की क्या स्थिति है। ये बिहार का सीमांचल है और कटिहार किशनगंज का एरिया है, देखिए बदहाली। लोग सिर्फ सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म, कभी BJP हराओ के नाम पे वोट देते हैं, कभी कांग्रेस मालेस NCP जिताओ के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन आपके साथ हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ होती है वो होती रहती है। हर दिन रोड का हाल आप देख लीजिए क्या बद से बदतर है। ये प्रधानमंत्री रोड है, ये रोड देश का NH को जोड़ता है। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए आखिर सीमांचल के लोग, चाहे आदिल हसन हो, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे सुनील राम हो, चाहे अख्तर उल ईमान हो, चाहे कोई भी साहब हो, आपको सीमांचल की ये झोपड़ियां दिख रही होगी। ये देखिए ये फूस के घर, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की गुर्बत क्या है, यहाँ की बदहाली क्या है। आप खुद देख लीजिए, छोटे छोटे ईंट के घर अब बनने शुरू हुए हैं और उसी के बाद अब उसमें लोग टीन डाल रहा है, कोई उसमें कुछ डाल रहा है। ये सीमांचल है, ये लाइव हम सीमांचल से आए आपके बीच है, हम सिर्फ यही चाहते हैं। ये देखिए इसके स्कूल की स्थिति, ये सीमांचल के, किसी दिन जाऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा कि स्कूल से भी लाइव करूँ। तो आपसे सिर्फ यही मुद्दमाना अपील है कि हमारी सीमांचल स्पेशल स्टेटस की लड़ाई जो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और ये लड़ाई लंबी है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लंबी है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर तबके की ज़रूरत है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, या चाहे ये देख लीजिए यहाँ की गुर्बत आप खुद देख सकते हैं। ये सीमांचल है, डायरेक्ट मैं सीमांचल से आपके बीच हूँ, यह सीमांचल का हाल आप देख सकते हैं। ये सीमांचल है, आप खुद सोचिए, गाड़ियाँ आ गई हैं रोड पर, लेकिन रोड की स्थिति आप देखिए क्या है, कितनी ख़राब रोड है। आखिर हमारा क्या दोष है, हमने क्या गलती किया, क्या भारत सरकार को, बिहार सरकार को हमने टैक्स नहीं दिया। ये देखिए सीमांचल का, आप खुद सोचिए, ये देखिए झोपड़ियाँ आपको दिखते रहेगी, लेकिन दिल्ली में जो बैठा हुक्मरा है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो पटना में बैठे हुए, या तेजस्वी यादव लीडर ऑपोजिशन हो, सिर्फ उनको अपनी पड़ी है। एक दिमाग में अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, दलितों की आबादी है, अल्पसंख्यकों की आबादी है, सिर्फ दिमाग में एक डाल दिया उन्होंने, सिर्फ एक चीज़ डाल दिया है, सिर्फ एक चीज़, भाजपा भगाओ, इसको जिताओ। अरे भाई कब तक जिताओगे, कब तक हराओगे, कब अपनी लड़ाई लड़ोगे, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़िएगा, कब एक नया सीमांचल को बनाइएगा जिसमें स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, जिसमें तरक्की हो, जिसमें डेवलपमेंट हो। ये देखिए भाजपा की मक्कारी, हर जगह झंडा लगा हुआ है, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर ये राजनीति करते हैं, सिर्फ रैली करना ये भाजपा ही जानते हैं।
ये देख लीजिए आप, टेम्पो भर भर के पैसा दे दे के सिर्फ ये इलाका जो है बदहाल इलाका सीमांचल का। तो आपसे मुद्दमाना गुजारिश है, अपील है कि हमारी सीमांचल विकास की लड़ाई में हमारा साथ दें, सीमांचल को एक मजबूत क़यादत दें। और आज सीमांचल को अख्तरुल ईमान जैसी शख्सियत मिली हुई है, अख्तरुल ईमान एक बेबाक आवाज़ है सीमांचल की। तो आपसे यही मेरा मुद्दमाना अपील है, गुजारिश है कि आप सीमांचल को एक क़यादत दें जिस क़यादत का सरपरस्ती बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, जिस क़यादत की सरपरस्ती बिहार में अख्तरुल ईमान साहब करेंगे, एक नया सीमांचल बनाने के लिए, एक नया विकसित सीमांचल बनाने के लिए हमारा साथ दें। और तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया। ये देखिए रोड की स्थिति, आप ही देखिए कितनी बदतर है, खुद सोचिए कि कितनी तकलीफ़ होती होगी आम नागरिकों को जाने में, कितनी परेशानियाँ होती होगी। ये देख लीजिए रोड की स्थिति, ये देखिए हर जगह कटा हुआ है। बाढ़ आता है कोई माए बाप पूछने वाला नहीं है, लोग सिर्फ 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 विकास की बातें दिल्ली में बैठ के होती है, लेकिन विकास की बातें सीमांचल में नहीं होती। सीमांचल में सिर्फ विकास आता है, आप खुद देख लीजिए, मैं जितनी दूर का सड़क से चल रहा हूँ, ये गड्ढा आप सड़कों का देख सकते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक आ रही है, बड़ी बड़ी बिल्ड यहाँ पे लॉरी आती है, लेकिन रोड की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कितनी जर्जर है, और कोई पूछने वाला नहीं है। कभी सादगी वाले विधायक का फोटो पर लोग चर्चा करता है, कभी तारिक अनवर साहब एनसीपी और राफेल पर रहते हैं, कांग्रेस का तो क़यादत का कोई पूछना नहीं। आप ही देखिए यहाँ की गुर्बत, रूरल इंडिया है ये, जहाँ विकास का पैमाना कुछ नहीं है। रोड की स्थिति आपके सामने है, मेरी कोई व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उस जालिम सरकार से है। अगर बरतानिया सरकार भी रहती, अगर ब्रिटिशर्स भी रहता, तो यहाँ के इलाकों को, यहाँ के लोगों को स्कूल मिल जाता, हॉस्पिटल मिल जाता, कॉलेज मिल जाता, यहाँ के लोगों को कुछ तो मिलता। ये देखिए बरसात नहीं भी है तो रोड पे पानी जमा है, आप ही खुद सोचिए। आपसे यही मुद्दमाना अपील है कि हमारी मुहिम में जुड़िए और एक विकसित सीमांचल बनाइए, और अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ से जिता के भेजिए, और एक सीमांचल को विकसित सीमांचल का नारा, बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा